हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं नितिन सितोनी आपका स्वागत करता हूँ scienceematichelpers.com में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में एक इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे हमने अभी तक ऊपर के जितने भी 9 क्वेश्चन पूरे हमने कर लिए हैं उन सब क्वेश्चनों में सिर्फ दो पार्ट थे, LHS और RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। लेकिन गाइस जब अगर आप इस क्वेश्चन में नजर डालेंगे तो दोस्तों तीन साइड है। पहली साइड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें इज इक्वल्स टू करना है यानी प्रूव करना है किसके बराबर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर इसको भी हमें इसको किसके बराबर लेके आना है, टेन स्क्वायर ए के। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो अब गाइस इसमें यह है कि अगर मेरे को तीनों पार्ट सॉल्व करने पड़े तो मैं क्या क्या नाम दे देता हूँ। तो गाइस चलिए मैं इसको दे देता हूँ एल एच एस, इसको मैं एल एच एस दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं एम एस यानी मिडल साइड। अब मिडल एम एच एस तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मिडल एंड साइड तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, तो मैं एम एस कर देता हूँ यानी मिडल साइड। और ये हो गया मेरा आर एच एस यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। तो गाइस तीन साइड मैंने कर लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एल एच एस से। तो मैं पहले एल एच एस एक बार एज इट इज उतार लेता हूँ पूरा का पूरा। तो एल एच एस मेरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो गाइस चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कुछ रेशियो वाली आइडेंटिटीज पढ़ी थी गाइस कि टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 होता है क्योंकि गाइस। तो अब मैं नीचे वाले में वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करता हूँ, कॉट स्क्वायर ए को भी बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, मैं लिख सकता हूँ cos ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 लगा देता हूँ। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट गाइस मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ इस वाले पार्ट का। तो इसका एलसीएम गाइस इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, बिल्कुल से पकड़ा आपने। तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के अपॉन में इसके अपॉन में गाइस। अब मैं इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ, क्या हो गया इसका एलसीएम, sin स्क्वायर ए इसका एलसीएम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा फिर, ये इधर ही हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन में इसके गाइस पूरा का पूरा, मैं इधर पूरे में ब्रैकेट चढ़ा लूंगा। अब गाइस मैं इसका जो अपॉन है यानी जो बटा है रेशियो है मैं उसको फिनिश करता हूँ। तो गाइस आपने बिल्कुल से पकड़ा है कि उसको फिनिश करने के लिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी एक आइडेंटिटी बताई थी। तो गाइस जैसे आइडेंटिटी नहीं है वो एक नॉर्मल सी सिचुएशन है कि कभी भी अगर आपको अपॉन के नीचे अपॉन वाली चीज़ों को फिनिश करना हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर वाले पार्ट को सेम ऐसी चीज रखना है, इनटू को साइन करके नीचे वाले पार्ट का रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल में गाइस आपको पता है रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाता है, यानी अगर मैं बोलूं 1/2 का रेसिप्रोकल करो तो वो क्या होगा 2/1 उल्टा हो जाएगा। तो मैं भी इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ तो sin स्क्वायर ए ऊपर रह जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। गाइस बाकी का मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी लाइन तो थोड़ी टेढ़ी हो गई तो सीधी सी लाइन खींच लेते, लाइन खींच गई है तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब गाइस देखिए इधर पे भी मेरा क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब गाइस मैं आपको बोलूँ कि 3+2 या 2+3 तो आंसर तो 5 ही होता है। तो उसी तरीके से सेम गाइस यहाँ पे मैं वो आपको बोलूँ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, या मैं आपको बोलूँ कि sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता तो इजिकल्स टू 1 ही है, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ तो गाइस सीधी सी एज इट इज हमारा जो फॉर्मूला है वहाँ पे पैक हो रहा है, दरवे में 1 लिख सकता हूँ। इधर मैं क्या लिखूंगा, 1/ cos a इंटू sin a, सॉरी स्क्वायर भी है सबके साथ अपॉन में 1। तो ये गाइस एज इट इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a। तो ये गाइस सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या होता है मेरा, sin अपॉन cos होता है मेरा tan स्क्वायर a। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी आ चुकी है राइट हैंड साइड के बराबर, लेकिन अभी मेरी मिडल हैंड साइड बची है। तो गाइस इसको एक बार आप समझ लीजिए, फिर हम मिडल हैंड साइड को भी उसके बराबर लेके आएंगे।
तो गाइस जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने पहले सेम एज एच एस उतारा, टैन का मैंने कोण वाला फॉर्मूला करा, रेशियो वाला, कोण का भी मैंने रेशियो वाला फॉर्मूला करा, दोनों साइड मैंने एलसीएम ले लिया, इधर भी मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम, ये इसका एलसीएम, ये रहा एलसीएम को सॉल्व करके मेरा क्या गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सिन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, उस पूरे के अपॉन में सिन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में सिन स्क्वायर ए। अब गाइस बट्टा फिनिश करने का मैंने आपको रूल बताया था, वही रूल का इस्तेमाल मैंने यहाँ करा, इसका मैंने जो अपॉन था वो फिनिश कर दिया और इन दोनों की जगह मैंने वन लिख दिया, इसको सॉल्व करके मैं टेन ले आया, यानी एलएचएस तो मैं इसके बराबर ले आया, लेकिन अब मेरे को एमएस यानी मिडिल साइड भी इसके बराबर लेके आनी है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, इसको भी हम मिटा करके उसके बराबर लेके आते हैं। तो सेम गाइस एज इट इज, पहले मैं एक जो मेरी एम एस यानी जो मिडिल साइड है, जो न्यू साइड है, जो अभी अभी इन्वेंट हुई है, तो उसको हम लिख लेते हैं, उसको सेम एज इट इज में उतार लेता हूँ एक बारी, टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉट स्क्वायर ए और ब्रैकेट बंद। तो मैं लिख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, होल स्क्वायर आ रही थी, होल स्क्वायर मैंने लगा दी है। अब गाइस मैं सॉल्व करता हूँ उसको पूरा का पूरा वैसे ही, उस तरीके से टेन का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही है, तो आपको याद ही हो गया बिल्कुल, अपॉन में कौन से पूरे के अपॉन में मेरा वन अपॉन कॉट एक्स के बराबर होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन वन के अपॉन में भी वन, ये मेरा पूरा का पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है। उसके बाद ये ब्रैकेट को ऐसे ही चलाते हुए मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा फिर मेरा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में पूरे के अपॉन में दोनों का भी मैं वो कर लेता हूँ, क्या दोनों का भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम ले लिया मैंने, तो एलसीएम क्या आया मेरा, सीन ए आया, ऊपर क्या बच गया मेरे पे, सीन ए माइनस कॉस ए बच चुका है। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इस पार्ट में भी एलएचएस में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने जो बट्टा फिनिश करने के लिए जो रूल इस्तेमाल करा था वही एज इट इज रूल हम यहाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को भी बिल्कुल सही आपने अपने दिमाग में जो ये बात थी वो आपने याद कर ली है, कॉस ए इंटू नीचे वाली साइड को क्या कर देना है, पलट देना है, तो पलट देते हैं, चलिए हम सिन ए अपॉन में सिन ए माइनस कॉस ए। और गाइस एक बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि होल स्क्वायर ऊपर सबके साथ चल रहा है, तो होल स्क्वायर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस मेरे को कैसे ना कैसे करके इस पार्ट से अगर मैं इस पार्ट को कैंसिल कर दूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन गाइस अब यहाँ पे आप एक गड़बड़ देखिए कि कॉस ए में से मुझे घटाना है सिने यानी माइनस करना है, कॉस ए में से मेरे को सिने घटाना है, लेकिन इस साइड सिने में से कॉस ए घटाना है तो उल्टा हो रहा है। तो गाइस चलिए मैं इस साइड से माइनस को कॉमन कर लेता हूँ, माइनस कॉमन आपने करना सीखा ही है तो नहीं तो आप एक बार देख लीजिए, इधर इस साइड से मैं ऐसी रहने देता हूँ अपॉन में कॉस ए, इस साइड से मैं सिने ऐसे लिख करके मैं माइनस को कॉमन कर लेता हूँ। तो गाइस अगर मैं माइनस को कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का सिने और मेरा फिर ये हो जाएगा माइनस का सिने और माइनस का ही मैंने गाइस माइनस कॉमन करा, अब माइनस कॉमन करने के बाद मेरे पे ये प्लस का कॉस ए हो जाएगा। तो गाइस माइनस मैंने कॉमन क्यों करा कि इसको मैं इससे कैंसिल कर सकूं। अब गाइस अगर आपको लगता है कि मैंने शायद माइनस कॉमन करने में कुछ गलती कर दी है तो आप वापस इस ब्रैकेट को खोल के देख लीजिए, वो आएगा इसके बराबर ही। तो चलिए बार मैं खोल के थोड़ा आपको बता देता हूँ, इसकी मैं सिन टू करूंगा तो प्लस का सीन आएगा, प्लस का सीन हमारा यहाँ पे आ रहा है नहीं बिल्कुल ठीक। अब प्लस की इंटू मैं माइनस कॉस से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का कॉस आएगा बिल्कुल ठीक। तो जो मैंने यानी कि आप ये देख लीजिए कि मैंने जो माइनस कॉमन करा है वो बिल्कुल सही करा है, ब्रैकेट और पूरे का होल स्क्वायर। अब गाइस आप देखेंगे कि इस पार्ट से मेरा ये पार्ट कैंसिल हो गया क्योंकि अब सेम हो गया, इधर भी माइनस का सीन है, इधर माइनस का सीन है, प्लस का कॉस है, प्लस का कॉस है, तो ये वाला पार्ट से मेरा माइनस हो चुका है। तो आप गाइस आप देखेंगे मेरे बच्चा क्या, मेरे बच्चा सीन ए कॉस है, इधर आएगा माइनस क्योंकि माइनस मेरा यहाँ पे मैंने जो कॉमन करा तो मेरा बच गया है, इसका होल स्क्वायर। अब गाइस हमें पता है सिन अपॉन कॉस, बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर। अब गाइस मैं थोड़ा रफ बता देता हूँ आपको, मान लो मैं आपको कहता हूँ कि माइनस टू का होल स्क्वायर तो क्या बनेगा, 4 ही बनेगा,
हमने माइनस टू नहीं लिखा, माइनस हमने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस टू को अगर मैं दो बार ही लिखूं माइनस टू इंटू माइनस टू तो माइनस माइनस तो सीधा प्लस हो जाएगा, तो मैं इधर से माइनस को हटा के लिख सकता हूँ सीधा टेन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए आप प्रूव हो चुका है, इसको भी मैं टेन ए के बराबर लिया, इसको भी मैं टेन ए के बराबर लिया और ये तो पहले से ही टेन ए है। तो गाइस क्वेश्चन हमारा हो चुका है, लेकिन हम फिर भी एक बार और समझते हैं। पहले हमने मिडल एंड साइड को एस सी डीज उतार दिया, उसके बाद इधर पे हमने रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया टेन का सिन अपॉन कॉस, उसी इधर कॉट का भी हमने रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया कॉस अपॉन सिन, और दोनों का एलसीएम लेके हमने सॉल्व करा। गाइस नीचे हमारा को बटा फिनिश करने के लिए हमने क्या करा, ऊपर यहाँ पे इसको पलट दिया, जो हमने और भी कई क्वेश्चनों में इस्तेमाल कर लिया है तो आप उसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब मुझे किसी तरीके से इसको इससे काटना था तो मेरा क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ से नीचे वाले से या मर्जी आपके ऊपर वाले से भी कर लीजिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो मैंने माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन करने के बाद इधर मेरा बच गया है माइनस का सीने और प्लस का कॉस ए, इधर मेरा बच चुका है। अगर मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको चेक करना है कि मैंने कॉमन सही लिया है तो उसके लिए आप इसको एक बार ओपन करके देख लीजिए, आंसर वही आएगा। हमने ओपन करके भी देखा, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा था। तो गाइस जब मैं इसको इससे काट दिया बच्चा क्या पे माइनस का, क्योंकि माइनस इधर पे आएगा तो मेरा माइनस यहाँ पे आएगा सीने अपॉन कॉस ए, सीने अपॉन कॉस ए इसके बराबर टेन ए के, माइनस मेरा अभी भी चल रहा है। मैंने आपको बताया कि माइनस में हटा सकता हूँ, क्यों, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो मतलब क्या है माइनस टू इंटू माइनस टू। अब गाइस हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमने जो छोटी क्लास होती है हमने वहाँ पे सीखा हुआ है। तो माइनस टू माइनस टू, माइनस टू का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, सीधा फोर लिखते हैं, माइनस हटा देते हैं, तो माइनस मैंने यहाँ पे हटा दिया तो ये हो चुका है। तो गाइस आप लिख देंगे हैंस एल एच एस इजिकल्स टू एम एस इजिकल्स टू आर एच एस। तो गाइस क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपके लिए क्वेश्चन को करेंगे। और गाइस एक खुशी की बात यह है कि हमारा फेसबुक पेज बन चुका है, लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे हमें लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइज आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियो को बनाने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।